हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल कढ़ी की रेसिपी, जो बिना पकौड़ों वाली दही की कढ़ी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनता है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं मैंने यहाँ क्या क्या सामग्री लिया है। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच बेसन लिया है, और यहाँ मैंने थोड़ा सा सौंफ, आधा चम्मच सरसों, आधा एक रेड चिली सूखा वाला, थोड़ा सा मीठी पत्ती, और यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कली जिसे मैंने ऐसे स्लाइस में काट दिया है, एक मैंने मीडियम साइज के प्याज को ऐसे स्लाइस में काट लिया है, और यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दही को अच्छे से फेंट के रखा है। अब हम इसमें ये बेसन डाल देंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। हम पहले दही में अच्छे से बेसन को फेंट लेंगे, उसके बाद हम बाद में पानी डालेंगे, ये बाकी के बचा उसे भी डाल देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों को अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम इसमें ये पानी डाल के फेंट लेंगे। हम यहाँ और पानी डाल देंगे। मैं यहाँ 1 गिलास के करीब पानी डाली हूँ। आप चाहे तो आपको मोटा पतला जितना रखना है उसमें डाल देंगे। अब हम यहाँ कलर के लिए 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम ये प्याज और लहसुन को भूनेंगे। तो मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, और हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये चुटकी, 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। अब हम इसमें ये सूखी हुई लाल मिर्च उसे डाल देंगे। ये हमारा लाल मिर्च हो चुका है। अब हम इसमें ये सौंफ और राई डाल देंगे। सौंफ और राई को अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारा कढ़ी का कलर और भी अच्छा आएगा, देखने में अच्छा लगेगा। अब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, और ये बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, और इसे सौते कर लेंगे। हमें इसे हल्का सुनहरा कलर करना है। ये हमारा भून चुका है। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और इसे भी हम सौते कर लेंगे। हमें प्याज को भी हल्का सा सुनहरा कलर होने तक भूनना है। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा प्याज सुनहरा कलर हो चुका है। अब हम इसमें ये फेटा हुआ दही डाल देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे लगातार चम्मच से चलाते रहना है। अब हम इसमें ये जो मीठी पत्ती उसे डाल देंगे। मैं यहाँ और 1/2 गिलास पानी डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हमारा लो ही रहेगा और इसे अच्छे से हम चम्मच से चला लेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट ढककर पका लेंगे। अब हम इसे कवर हटा लेंगे, चम्मच से चला लेंगे। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए इसे चम्मच चलाते रहना है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारा कढ़ी बन चुका है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारा सिंपल सा दही कढ़ी बन चुका है। हम इसे चावल के साथ खा सकते हैं।